Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, Self Adhyayan par. आज की बिजी की क्लास में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू. लास्ट क्लास में हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर वन के बारे में और किस तरीके से हमने कैश बैंक बुक मेंटेन करा था, वो हम लास्ट क्वेश्चन कर चुके थे. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की, जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन दी गई हैं और यहाँ पर उसके आधार पर हम चेक करेंगे कैश बुक और बैंक बुक का बैलेंस. तो पहली ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, मिस्टर कमल खन्ना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. इसका मतलब जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट करा गया है ऑनर की तरफ से और एक कैपिटल के रूप में ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिससे जो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट के रूप में. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम बिजी में चलते हैं और एक फर्म बना लेते हैं. फर्म में हम क्वेश्चन नंबर टू डालते हुए यहाँ पे डिटेल डाल देंगे उसकी और इसे सेव करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को पास होने देंगे. यहाँ पर उसके बाद हमें एक सुपर यूजर नेम डालना होता है, हम डाल देते हैं इंडिया और 123 इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रखते हुए इसे सेव करा देते हैं. यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन पे जाना है और सीधा चले जाना है रिसिप्ट पे. ऐड पे जाते हुए हम यहाँ पर शॉर्टकट की बना देते हैं F3 से. डायरेक्ट हम बना देते हैं कैपिटल, वैसे कैपिटल का नेचर हम देख लेते हैं बना हुआ होता है कि नहीं. हम यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं और लिस्ट में आपको दिख जाएगा कैपिटल इक्विपमेंट्स है, कैपिटल नहीं है. तो हम यहाँ पर लेजर बना देते हैं कैपिटल का और इसे सेव करते हुए इसका जो ग्रुप है वो कैपिटल अकाउंट में रखते हुए पास करा देंगे. अब कैपिटल का अमाउंट हम यहाँ से डालेंगे 2 लाख रुपए और डालने के बाद यहाँ पे डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट. देन उसके बाद हम F2 प्रेस करके शॉर्टकट है इसको सेव कर सकते हैं. एक एंट्री हमने कर ली है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं. डिपॉजिट इनटू बैंक 50,000 रुपए और उसके लिए हमें एक पास करनी है कॉन्ट्रा एंट्री. डिपॉजिट करा है 50,000 रुपए तो हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट रखना है. F3 से हम शॉर्टकट एक लेजर बना सकते हैं और बैंक में डालते हुए उसे F2 से मास्टर को सेव कर देंगे. 50,000 रुपए डिपॉजिट हुआ है तो 50,000 रुपए डेबिट रखते हुए हमें क्रेडिट कर देना है कैश अकाउंट को. और नॉर्मली आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए तभी आप यहाँ पर उसे पास करा पाएंगे. अगर आपने वो एंट्री नहीं करी है तो आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो यहाँ पर सेव करने के बाद हमारा कुछ नेगेटिव बैलेंस की वजह से यहाँ से मैसेज आ रहा है, इसको हम फिलहाल पास कर देते हैं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. 1,000 रुपये विड्रॉ करा गया है पर्सनल यूज के लिए, तो इसे हम पेमेंट में पास कराते हुए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और जो पैसा हमारा निकाला गया है वो निकाला गया है बैंक से 1,000 रुपये. तो यहाँ से एंट्री करते हुए हमें GST तो हमें एप्लीकेबल नहीं रखना क्योंकि ये सिर्फ हम सिंपल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो आगे आएगा डिटेल में. F3 से हम शॉर्टकट बना देंगे ड्राइंग और कैपिटल अकाउंट के नेचर में रखते हुए इसे F2 से हम सेव करा देंगे मास्टर को. 1,000 रुपये हमें बैंक अकाउंट से निकाला है पर्सनल यूज के लिए और इस एंट्री को हम पास करा देंगे. नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज फर्नीचर 20,000 रुपये का और ये फर्नीचर है तो पेमेंट की एंट्री आपको पास करानी है. फर्नीचर का आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, आप टाइप करके देखिए. फर्नीचर यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको लेजर नहीं बनाना. फर्नीचर का अमाउंट 20,000 रुपये और कैश से वो क्रेडिट कर देना है. 20,000 रुपये का अमाउंट डालने के बाद हमें कैश को क्रेडिट कर देना है क्योंकि ट्रांजेक्शन में कुछ कहा नहीं है तो हमें बाय डिफॉल्ट कैश लेते हुए पास कराना है. नेक्स्ट एंट्री की ओर चलते हैं, वो है कैश सेल 2500 की और कैश सेल है तो हमें रिसिप्ट एंट्री पास करानी है. कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा. तो सेल ऑलरेडी बना हुआ है, हमें यहाँ पर 2500 रुपये से एंट्री पास करानी है कैश अकाउंट डेबिट के रूप में. नरेशन आप डालना चाहें तो नीचे उसके बारे में लिख सकते हैं. नेक्स्ट एंट्री हमारी है कैश ड्रॉ फ्रॉम बैंक और ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है. 2,000 रुपये की हमने विड्रॉ करी है बैंक से तो कॉन्ट्रा एंट्री हमें डाल देना है. यहाँ से बैंक से पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश हमारा डेबिट होगा
और अमाउंट यहाँ पे आपको देख लेना है वो है 2,000 रुपये, और बैंक को कर देना है हमें क्रेडिट क्योंकि बैंक से पैसा विड्रॉ हुआ है। F2 से हमें इसे सेव करा देना है। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है पेड फॉर ऑफिस रेंट जो कि है 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये की एंट्री हमें पास करानी है पेमेंट के अंदर। ऑफिस रेंट हमें ले लेना है डेबिट साइड में जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, ये लेजर हमें बनाना नहीं पड़ेगा। और कैश क्रेडिट हमें कर देना है F2 से, इसे सेव करा देना है। तो 15,000 रुपये से हमने ऑफिस रेंट की एंट्री भी पास करा दी है। नेक्स्ट एंट्री हमारी टेलीफोन बिल की है जो कि 700 रुपये है। तो यहीं पर भी आपको एक F3 से लेजर बनाना पड़ेगा, टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका ग्रुप रहेगा, और देन इसको हमें पास करा देना है। 700 रुपये से इसकी एंट्री पास करानी है और कैश कर देना है क्रेडिट, और इसे सेव करा देंगे। ये सारी ट्रांजेक्शन डालने के बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है सोल्ड गुड्स टू अक्षित, अक्षित को माल बेचा है और उधार माल बेचा है 8,000 रुपये का, तो इसकी एंट्री हमें डालनी है जनरल वाउचर के अंदर, ऐड करा देंगे अक्षित डेबिट सेल क्रेडिट। F3 में हमें अक्षित का लेजर बना देना है और इसे सन्ड्री डेटर में रखते हुए पास करा देना है। यहां से टाइप ऑफ डीलर अभी आपको कुछ नहीं लेना है, आप अनरजिस्टर्ड ले सकते हैं क्योंकि अभी हम पूरा GST के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम सिंपल वाउचर एंट्री पास कर रहे हैं। हमें यहाँ पे डाल देना है अक्षित, और दोबारा से एंट्री कर देते हैं अक्षित का लेजर 8,000 रुपये से लेते हुए सेल को हम कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट। तो इस तरीके से हमने एंट्री पास करनी है सेल की, रेफरेंस हम दे देंगे अक्षित और इसे पास करा देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी है रिसीव चेक फ्रॉम अक्षित, यानी कि अक्षित से हमें एक चेक मिल चुका है जो कि 8,000 रुपये का हमने माल बेचा था और अक्षित से चेक मिल रहा है, तो रिसीप्ट की एंट्री हमें पास करनी है। अक्षित से अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और जितने का माल बेचा था उतने का हमें चेक मिल रहा है, और बैंक अकाउंट को डेबिट रखते हुए पास करा देंगे। तो एडजस्टमेंट करना है जो भी हमारा रेफरेंस था अक्षित से जिसका हमें पैसा मिल रहा है। ये एंट्री पास करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अक्षित का चेक बाउंस हो चुका है, और बाउंस की एंट्री के लिए हमें फिर से एक पेमेंट चढ़ानी होगी और एंट्री एक तरीके से रिवर्स कर देनी है। अक्षित का चेक बाउंस हुआ है और अक्षित के अकाउंट को फिर हमें डेबिट रखना होगा जितना भी अमाउंट था, जितने का चेक था, और बैंक को वापस से क्रेडिट कर देना है। तो इस तरीके से हम जनरल वाउचर पास कराएंगे और एंट्री को डालेंगे। अब हम अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस के लिए हम चले जाते हैं डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट्स बुक के अंदर, अपना कैश बैंक बुक के अंदर। सबसे पहले हम बैंक का अमाउंट चेक कर लेते हैं, 29,000 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर है 47,000 रुपये। एक बार चेक कर लेते हैं हम कैश का भी बैलेंस कि उसमें कोई ट्रांजेक्शन तो ऐसी नहीं है। यहाँ पर सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं 20,000 रुपये की कैपिटल, और हमारी जो ट्रांजेक्शन थी वो थी 2,00,000 रुपये की। तो थोड़ा सा अमाउंट में हमने गड़बड़ कर दिया है, तो अमाउंट हम यहाँ से चेंजेस कर देते हैं क्योंकि हमें पूरा प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई अमाउंट में तो मिस्टेक नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ से इसे पास करा देना है। 1,36,800 रुपये हमारा अब आ रहा है। और भी एंट्री हम चेक कर, यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन है जो कि विड्रॉ हुआ है बैंक से, और यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन जो कि 2,000 रुपये की है, इसके अमाउंट में भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो आपको एंटर करते हुए उसके अमाउंट में चेंजेस कर देना है। तो अगर अमाउंट्स में मिस्टेक है तो सिंपल एंटर करते हुए पास करा देंगे। अब हमारा आंसर आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस 1,18,800 रुपये, और अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है। यहाँ पर चेक कर लेते, एक बार बैंक का बैलेंस भी हम मैच कर लेते हैं, और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 47,000 रुपये। तो इसका मतलब हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक हो चुका है। इसका आंसर 1,18,800 रुपये आएगा। इसके बेस पर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जल्दी ही मैं थर्ड क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, देन उसके बाद हमारा चलेगा P&L अकाउंट जिससे हम सीखेंगे लाभ हानि खाता हम
बिजी के अंदर किस तरीके से निकालेंगे, और उसके बाद हमारी परचेज एंट्री, सेल एंट्री, देन जीएसटी की ट्रांजेक्शंस, और भी बहुत कुछ जो हमने टैली में सीखा है, वो सभी चीजें हम मोस्टली बिजी में भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।